आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम ज़िया और आप देख रहे हैं टुडे पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मारीपुर का इलाका गुलशन बेनज़ीर 500 क्वार्टर में। मंशा एक बहुत बड़ा मसला हो चुका है जो कि पूरे कराची में एक तेज़ी से फैल रहा है। बेनज़ीर में मंशियात खरीदो फरोख्त बड़ी आसानी और बात तरीके से हो रही है, जहां मंशियात और मंशियात लेने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती है, नस्बत यहां पर और तादाद बढ़ती गई है। यहां के कुछ चंद नौजवान हैं जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि इंशाल्लाह इस मंशियात को जड़ से ख़त्म करना है अपने इलाके से। आइए इनसे मालूम करते हैं कि आपने ऐसा कौन से इकदाम किए हैं और ये किस तरह ख़त्म हो गए। क्या यहाँ की वेलफेयर आपके साथ इस मामले में ख़त्म करने में आपके साथ तावन कर रही है? क्या यहाँ की पुलिस आपके साथ तावन कर रही है? रहमान रहीम, तो मंशियात के हवाले से तो हमारे 500 वाटर गुलशन बेनज़ीर मुशरफ कॉलोनी के अंदर यहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ ये मंशियात की जरासीम जो है ना फैल रहा है, और इसके साथ जो है पूरे कराची और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये मसला है। अब पिछले महीनों में, दो तीन महीनों में और पिछले साल की बनिस्बत इस साल ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। और रहा ये मसला हमारे माशरे के अंदर जो है ये बिगाड़ पैदा हो रहा है, हम यहाँ पे रहते हैं, हम इलाके के लोग हैं, इलाके के मकीन हैं, तो इनसे हमारे बच्चों के ऊपर बड़ा एक जो मनफी अंदाज़ जो है ना एक आ रहा है, उसके ऊपर नतीजा हो रहा है। तो हमारे बच्चों के अंदर भी ये सारे बिगाड़ आइंदा मुस्तकबिल के अंदर होंगे, तो हम इस रोकथाम के लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, ये अल्लाह की तौफीक से हमने ये बेड़ा उठाया है और हमारे बड़ों की क़यादत में हमने इस काम का अज़म किया है कि इंशाल्लाह हम पहले अपने इलाके से इस काम को उठाएँगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो हमारे इलाके के जो वेलफेयर हैं उनके साथ हमारी बात हो चुकी है और उन लोगों ने तआवुन की यकीन दहानी हमसे कराई है, और इंशाल्लाह आगे हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है तो हम आवाम को भी इकट्ठे करेंगे, इस पर मशवरा करेंगे। अभी तो हमने इस काम को उठाया है, आगे चल के देखेंगे इंशाल्लाह। अज़म तो हमारा यही है कि इस काम को जड़ से जो है ना उखाड़ के फेंकेंगे। क्या यहाँ पहले कभी पुलिस की इस हवाले से कार्रवाई हुई? जी हाँ, कार्रवाई तो हुई है, वो वक्ती तौर पर कार्रवाई हुई है। तो कुछ दिनों के लिए ये जो नशाई हज़रात हैं, गिरफ्तारी हज़रात हैं, ये सारे उस वक़्त चले गए थे दो तीन दिन के लिए, उसके बाद फिर वही माहौल जो पुराने थे। तो अभी जो है ना हमारा जो तरीक़ेकार है वो ये है कि जो बेचने वाले लोग हैं हम उनको यहाँ से इलाके से जो है ना ख़त्म कर दें, उनको यहाँ से भगा दें और इलाके को साफ़ करें इस गंदगी से, ताकि हमारे आने वाले नौजवानों को उससे फ़ायदा हो जाए, वो इस मंशियात से बचें। हम नौजवान तबाह हो रहे हैं, ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो रहे हैं। तो जो ख़रीदते हैं इन, ये तो एक रुपया मांग के ख़रीदते हैं, असल में तो जो जहाँ से ये चीज़ निकलती है, जो इसके जड़ है, मंबा है, उसको ख़त्म करना चाहिए। जो असर रसूख वाले लोग हैं उनको पकड़े, इन जो बेचारे छोटे मोटे गलियों में पड़े होते हैं जहाँ मंबा है, जो इसके मंबा है उसको ख़त्म करें। जो असर रसूख वाले लोग हैं जो ये सप्लाई करते हैं उनको पकड़े, जो काली भेड़े हैं उनको पकड़े, जो पीने वाले उनका तो चलो जो है कसूर है, असल में जो इनको प्रोवाइड करते हैं, भेजते हैं, लाते हैं, उनको पकड़ें। अच्छा सवाल है, देखें ये आज की बात नहीं है, जब से हमने होश संभाला है उस वक़्त से ये मंशियात चरस से और दूसरे जो मंशियात हैं इनको हम देखते हुए आ रहे हैं। यकीन करें उस वक़्त जो दौर था, जिस वक़्त हमारे साथ जो लड़के बचपन में खेला करते थे फुटबॉल वगैरह या मदरसों में स्कूलों में पढ़ते थे, आज हम उनको अपनी आँखों से देख रहे हैं कि वो इन नशे में बर्बाद हो रहे हैं। तो ये एक इंफरादी मामला नहीं बल्कि इज्तिमाई मामला है इलाके के एतबार से, कि हर इलाके में जितने भी लोग हैं, इलाका मकीन है, वो इसकी फ़िक्र करें कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए। अगर आज हम इसकी फ़िक्र नहीं करेंगे तो ये आग पड़ोस में लगी हुई हमारे घरों में ज़रूर आएगी, तो हमारे अपनी औलाद हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, उन तक भी ये असरात पहुँच जाएँगे। तो इससे पहले कि ये असरात तेज़ी से फैलने लगे इसको हम यहीं पर रोक दें। तो ये किस तरह रुकेंगे? इसके लिए हमने इकदाम किया है, एक तो ये है कि ये जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, कानून और सरकार इसको अपने हाथों में ले और बाकायदा तौर पर इसकी ख़बर ले कि कहाँ पे ये मंशियात फरोख्त हो रहा है और कहाँ पे इसको ख़रीदा जा रहा है, कैसे और कहाँ से लोग आ रहे हैं, वो इसकी खबरगिरी करे। तो अव्वल तो ये है कि ज़िम्मेदारी में इसको रोकथाम करे, लेकिन हमने अपने इलाके में इस इकदाम को उठाया कि इदारों की सरपरस्ती में इलाका मकीन ख़ुद बाकायदा तौर पर इसके बारे में ग्रुप बनाएंगे, इसके बारे में मुशावरत करेंगे कि इसको किस तरह ख़त्म किया जाए। तो अव्वल तो हमारा मकसद ये है कि यहाँ पे जो इसको बेचा जा रहा है उन अड्डों को ख़त्म किया जाए।
क्या आपको लगता है कि ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा? जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह से हमें उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि अगर हमारे दिलों में इखलास हो, हम मुखलिस से अपने लिए, अपने इलाके के लिए, अपने इलाके के नौजवानों के लिए, अपनी आने वाली नस्ल के लिए, तो इंशाल्लाह ज़रूर ख़त्म होगा। अजीत, ये थे मौलाना उसामा साहब, जो उन्होंने कहा कि अगर हमारे दिलों में इखलास हो, जो हमारी आने वाली नस्लों को अगर इस जो ना एक खामोश और मीठे जेर से बचाना है, तो हमें ख़ुद जदोजहद करनी पड़ेगी। कैमरामैन सिराज के साथ मोहम्मद इब्राहिम ज़िया, टुडे पाकिस्तान, कराची।